नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माईसैनी। दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम किसी के माध्यम से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मेरे अदर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस YouTube चैनल को इंडियन आयुर्वेदिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों BMS फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पेपरों का काफ़ी महत्व होता है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, लाइन टू लाइन उठ के रहते हैं, वैसे रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन। जैसे ये कुछ पेपर 2000 नवंबर दिसंबर 2014 में आयोजित हुआ था संस्कृत का, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है आपको, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, संस्कृत का क्वेश्चन वेरी वेल होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंस होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि कभी तो हिंदी से संस्कृत बनाना पूछ लेता है, कभी व्याख्या पूछ लेता है, ठीक है, कभी क्या मतलब, तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पेपर पर काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पेपर आपको डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आपको इसको डाउनलोड करना है और आराम से समझना है। लेकिन दो दो नंबर के क्वेश्चन को आपको रटना है कि संस्कृत के जो दो दो नंबर के क्वेश्चन है ना, प्रत्येक पेपर के 15 मतलब 4 से 5 पेपर अपलोड करूँगा संस्कृत के दो दो नंबर के, तो उन कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। 50 से 60 क्वेश्चनों को आपको उनका आंसर लिखना है और लाइन टू लाइन याद कर लेना है बिल्कुल। उनमें से क्या, कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं रिटर्न वापस हो ही जाएंगे, कन्फर्म है तो हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस पेपर को डाउनलोड करना आप, डाउनलोड करने के बाद में आप इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक से लेकर 15 तक के, उनके आंसर अपने टीचर के द्वारा या किसी स्टूडेंट के द्वारा किसी हेल्प के माध्यम से उनके आंसर लिखना, उनको सोल्व करना क्वेश्चनों को, आंसर लिख के एक लिस्ट तैयार करना 50 से 60 क्वेश्चनों की, और एग्जाम से पहले उनको रीड करने करके जाना है आपको, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। रही पेपरों की बात, मैं आपको अपलोड ज़रूर करा दूंगा। एक 18 का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, 2014 का मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, 15 और 16 का मैं अपलोड कर दूंगा आपको। इसी चैनल पे आप बने रहना। थैंक यू।